नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। अपने पिता की पुण्यतिथि पर विशाल भजन संध्या का आयोजन नरीमन सिटी में किया गया। पितृपक्ष के पहले दिन अपने पिता की दिखाई हुई राहों पर चलते हुए बेटे ने अपने पिता का सपना किया सच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरीमन सिटी में रहने वाले मनीष राजा भैया का, जिन्होंने विगत 15 वर्ष पहले अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पर धर्म की गंगा बहाने और लोगों तक धर्म की एक अलग जगाने वाले स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी त्रिवेदी के 15वीं पुण्यतिथि पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया। इस आयोजन में त्रिवेदी परिवार और नरीमन सिटी के परिवार लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि त्रिवेदी परिवार स्वर्गीय राधेश्याम जी त्रिवेदी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम करते आ रहा। इस कार्यक्रम की खासियत यह रहती है कि सुबह ब्लड डोनेट और शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, साथ ही सभी लोगों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराई जाती है। भजन संध्या में आने वाले सभी भक्तों को राजा भैया की तरफ से दुपट्टा पहनकर स्वागत संस्कार किया जाता है। प्रसिद्ध गायक कैलाश शर्मा द्वारा विभिन्न प्रकार की भजनों की प्रस्तुतियां भक्तों के बीच दी जाती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जसपाल सिंह चावड़ा, सत्यनारायण पटेल, लकी अवस्थी, चंदन सिंह बेस, राजेश जायसवाल, राम पवार, भाजपा नेता श्रवण सिंह चावड़ा, आशीष त्रिवेदी और मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्ग उपस्थित रहे। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। भजन संध्या पापा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कराई जा रही है, जो पिछले 15 वर्षों से श्री राधेश्याम त्रिवेदी की स्मृति में जो है 5 साल हो गए उनको, तो आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है जिसके उपलक्ष्य में ये भजन संध्या कराई जा रही है, जिसमें दिन में ब्लड डोनेशन भी कराया गया है। और आज नरीमन का पूरा परिवार यहाँ पे आपका स्नेह भोज करेगा और माननीय कैलाश शर्मा जी की भजन संध्या रखी गई है। विगत कितने वर्षों से कार्यक्रम निरंतर जारी रखा है? ये पापा जीवित जब से 15 वर्षों से रखा गया है। पापा के देहांत के बाद सिर्फ कोरोना काल में इसको थोड़ा सा रोका गया था, बाकी ये पिछले वर्ष से वापस चालू करा गया है और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम 3 वर्ष से हो रहा है। आज इस भजन संध्या में कोई विशेष कार्यक्रम रखे हुए थे? इसमें विशेष कार्यक्रम नहीं, लेकिन इसमें विशेष रूप से गोलू शुक्ला जी, श्रवण चावड़ा जी, राम पवार जी, अनिल शुक्ला जी, अंतर सिंह दरबार जी, नरीमन का पूरा परिवार और दीपेंद्र सोलंकी जी और जो भी इसने रखते यहाँ पे पापा से रखते थे वो सभी पधारे थे। आपका परिचय? मनीष त्रिवेदी, राजा भैया। रोल? भाई साहब, बाबूजी की पुण्यतिथि है, किस प्रकार से आज हमारे बाबूजी त्रिवेदी की पुण्यतिथि पर मेरे भाई राजा ने एक तो सबसे पहले रक्तदान शिविर लगाया सुबह, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं इनको बड़ा साधुवाद देता हूँ। और आज भजन संध्या और हम उनके जो सत्कर्म हैं उन पे इनके दोनों बच्चे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए इन लोगों से आशीर्वाद करता हूँ जो नेक कार्य ये लोग कर रहे हैं। और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये नेक कार्य से करते रहें और समाज को जोड़ते रहें। और हमारे इस समाज में जो ये रक्तदान दिया है, ये कहीं ना कहीं ऐसा दान होता है जो एक जरूरत व्यक्ति को मिलता है, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। तिथि में आए भजन संध्या में क्या कहेंगे, किस प्रकार से? सभी को मेरा जय श्री राम। मैं जय श्री भिलवारे, विश्व हिंदू महासंघ संभाग मंत्री। आज दोपहर में हमारे राधेश्याम जी त्रिवेणी जी की पुण्यतिथि थी, उसी के अवसर पर ब्लड डोनेशन का भी कार्य किया गया और अब भव्य तरीके से यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और सभी इनके जितने भी परिवार के सभी को सुख शांति समृद्धि दे और ये बहुत आगे बढ़े। राजा भैया, आपका परिचय? जय श्री भिलवारे।